नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आदमपुर उपचुनाव का आखिरी वो दिन आ गया है, वो आखिरी पड़ाव आ गया है जिसका इंतजार पूरे हरियाणा की जनता कर रही थी। फिलहाल हिसार शहर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर जो आप मेरे पीछे और आसपास देख सकते हैं कि आदमपुर उपचुनाव का जो पूरा इलेक्शन था उसकी कवरेज के लिए जो है लगातार यहाँ पर मीडिया के कर्मी जो है मौजूद है, साथ ही पब्लिक यहाँ मौजूद है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काफी लोग जो है यहाँ मौके पर मौजूद है और इन लोगों से चलिए बातचीत कर लेते हैं। इन लोगों से चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या लग रहा है। जी सर, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी जीत होने वाली है? काउंटिंग भवेश नहीं, भवेश बिश्नोई की जीत होगी। 2840 से पहले राउंड में भवेश बिश्नोई आगे है और ये जीत 20,000 प्लस होगी। 28,000 का जो आंकड़ा है ना जी, 28,40 वोटों का, ये 28,000 में बदलने वाला है। पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पहले राउंड में भाई भव्य बिश्नोई 2840 वोटों से बढ़े हैं। टोटल 13 राउंड है। हर राउंड को जेपी को ऐसे ही हराएंगे, हर राउंड में ऐसे हराएंगे, हर एक राउंड के साथ। कंडीशन ओवरऑल जेपी के साथ ही मान रहे हैं आप लोग? एक तरफा माहौल बीजेपी जेपी के साथ ही है जी, जेपी के साथ। जेपी के साथ है मुकाबला। तो जी आप तो बताओ किससे? एक मंजिल और ऊपर गया जी, 50 साल ज्यादा ऊंचाई की मंजिलें, ज्यादा ऊंचाई की मंजिलों में खतरा बढ़ जाता है। बीम डाल रखी है, बीम लगा रखी है, बीम इतनी मजबूत है। राहुल गांधी भी यहाँ आ जाए, राहुल गांधी भी यहाँ आ जाए तो एक गढ़ नहीं तोड़ पाएंगे चौधरी भजन लाल जी का। हाँ, तो अभी मतलब ओवरऑल आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि 20,000 के करीब जो 2840 वोट से बड़ा 28,000 में बदलने वाला है। बड़ी पर कहीं जा सकता है। कांग्रेस तो रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो इलाके का मुख्यमंत्री रहा और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, हर हर जाति की, हर धर्म की, हर उसकी रक्षा करती है। हुड्डा तो एक ठेके पे लेके आ रहा है, कांग्रेस को जो डबो चुका है हुड्डा को। देखना आप कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडर छोड़कर भाग रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते जी, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? भव्य बिश्नोई। कारण क्या? भव्य बिश्नोई हमारे बदलाल के पोते हैं और अपने आदमपुर की ताज है। कुछ काम करवाएंगे अब की बार जो पूरा काम, बहुत काम, बहुत काम करा देंगे। 2 साल में इतना काम करा देंगे जो 20 साल में नहीं होया था। मैं बता सकता हूँ आपको, ये रिकॉर्ड और बनेगा। हाँ। इतने साल तक एक ही परिवार का राजनीति के अंदर जीतना, ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ये तीसरी पीढ़ी भी इतनी मजबूत होगी जितनी शुरू वाली भजनलाल जी की पीढ़ी थी ना। भजनलाल जी नहीं रखी, वही पीढ़ी आज मजबूत, उतनी मजबूती से होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं हिसार के बाल जो है बाल भवन की, जहाँ पर फिलहाल जो है मौके पर जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पहले राउंड का नतीजा अभी तक आ चुका है। तकरीबन 2800 के करीब जो है वोटर्स को जो है वोट से जो है भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। अभी 12 राउंड्स और बाकी है। नतीजे लगातार सिटी बिग न्यूज पर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज, कुछ ही मिनटों में वापस से फिर से हाजिर होंगे, फिर से अपडेट होगी। और बस शेयर करते रहिए, देखते रहिए कि आखिरकार कौन बनने वाला है आदमपुर का विधायक।